कविता लिखने की विफलता ने मुझे आलोचना की ओर खींचा तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने पहला लेख जो है वो होटल के बिलों के पीछे लिखा हाँ। था। जानते हो क्या था वो? निर्मल वर्मा के उपन्यास एक चिथड़ा सुख हाँ। पर एक समीक्षात्मक कह लें या हाँ। ललित किस्म का लेख कह लें वो था। होटल में कैसे पहुंच गए? होटल में काम करने के लिए मैनेजर? दरअसल मैं बेरोजगार था, ग्रेजुएशन मैंने किया था। एक आलोचक के तौर पर आप कृति के भीतर प्रवेश का क्या तरीका अपनाते हैं? किसी कृति के कंटेंट में जो बातें होती हैं उसका फॉर्म उससे प्रभावित होता है। प्रेम की हम बात कर रहे होते हैं या कविताओं में प्रेम की बात कर रहे होते हैं, तो क्या वो प्रेम वाकई में वही प्रेम होता है जो हम करते हैं, या प्रेम की केवल आभा होती है, कोहरा होता है? अगर हम कविता को संगीत मान लें तो प्रेम कविता में प्रेम उस संगीत की बंदिश से ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन उसे गाकर प्रेम तक पहुँचा तो जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जिन कविताओं का और पदों का इस्तेमाल किया जाता है वो निकृष्टतम कविताएं होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि साहित्य को छोड़कर कलाओं की किसी भी विधा में प्रासंगिकता का प्रश्न नहीं है, सार्थकता का प्रश्न नहीं है? यस, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। भाषा में कविता एक अतिथि की तरह रहती है, एक ऐसी अतिथि की तरह जो चाहती है कि भाषा के पूरे विधान को बदल दे। क्या रचना की दीर्घजीविता के लिए सांगठनिक रूप से प्रतिबद्ध होना जरूरी होता है? ये हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना है, इसमें मुझे बहुत गहरा संदेह है। कहा जाता है भोपाल स्कूल के लेखक हैं और सारे द्रोही हैं, ये जानकर आक्रांत करते हैं शब्दावलियों से, पश्चिमी लेखकों से, ताकि अपना दबदबा कायम रख सके। हम लोगों के बीच में बहुत ही आत्मीय मित्रता है, ये भी सच है। ये भी हालांकि सच है कि हम लोग कभी कभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और ये भी सच है कि समास हो, चाहे पूर्वग्रह हो, चाहे बाकी पत्रिका हो, सब एक दूसरे के बारे में ही छापते हैं। अनुवाद इतना तेज़ी से कैसे कर लेते हैं? ये दिलचस्प है थोड़ा सा कि मैंने अंग्रेजी का अध्ययन नहीं किया। हरारी के आप ऑथराइज अनुवादक हो गए क्या? एक्चुअली मैंने जिनकी चारों किताबों के अनुवाद मैंने मेरे हाथ से हो गए संयोग से।